हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो जिसके थ्रू हम आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहे हैं जो जीएसटी इंप्लीमेंट करने से पहले आपको फॉलो करने हैं अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए फर्स्ट जुलाई 2017 से जीएसटी में बिलिंग करना बहुत ही इजी हो जाएगा तो आइए अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं फर्स्टली आप अपने मार्क सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे जिसके लिए आप अपने मार्क सॉफ्टवेयर को मार्क ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट करेंगे देन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को एड्रेस एंड एंड जी एस टी आई एन को इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आफ्टर डैट आप कमोडिटी ऑप्शन को ये yes सेट करेंगे जिसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में मार्क सेटअप्स कंट्रोल रूम एंड सर्च इन ऑल ऑप्शन में कमोडिटी टाइप करेंगे एंड देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे एक्सेप्ट पर एंटर करते ही आपके सामने कमोडिटी की एक विंडो अपीयर हो जाएगी जहाँ से आप इन ऑप्शंस को इन सेटिंग्स में चेंज कर देंगे देन इस विंडो को पेज डाउन की प्रेस करके सेव कर लेंगे देन अब हम देखते हैं कि आप मार्ग में एच एस एन कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए हम जाएंगे मास्टर्स में इन्वेंट्री मास्टर एंड एच एस एन एस एस सी कोड मास्टर पर एंटर करेंगे तो आपके सामने एच एस एन एस एस सी कोड मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की एच एस एन क्रिएट कर सकते हैं एफ़ टू फंक्शन की प्रेस करके एफ फंक्शन की प्रेस करके यहाँ से आप अपने एच एस एन कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन एक्सपोर्ट योर आइटम्स इन एक्सेल फॉर्मेट एंड अपडेट द एच एस एन कोड इन एक्सेल शीट इन ऑर्डर टू इट इन मार गी आर पी नाइन प्लस सॉफ्टवेयर मीन्स आप मार गी आर पी नाइन प्लस सॉफ्टवेयर से अपनी आइटम्स को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड एच एस एन कोड और आइटम्स के जी एस टी रेट्स को एक्सेल शीट में अपडेट करके और मेनटेन करके रख सकते हैं एंड देन जिस दिन जी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप उस एक्सेल शीट को इम्पोर्ट कर सकते हैं आइटम्स की लिस्ट को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स ईज ऑफ जी एस टी पर देन जाएंगे जी एस टी परसेंटेज एंड एच एस एन एस एस सी अपडेशन पर देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आइटम वाइज एच एस एन एस एस सी कोड मास्टर की विंडो अपीयर हो जाएगी जहाँ से आप F10 टेन फंक्शन की प्रेस करेंगे इन आइटम्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए देन सॉफ्टवेयर आपको पाथ की एक विंडो शो करेगा जहाँ आपकी ये एक्सेल शीट एक्सपोर्ट होगी यानी मार्क फोल्डर में रिपोर्ट्स फोल्डर में आपकी एक्सेल शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी तो इस तरह से आइटम्स की एक्सेल शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी आप इस शीट में अपनी आइटम्स का एच कोड सी जी परसेंटेज एस जी परसेंटेज और आई जी टैक्स परसेंटेज डिफाइन करके इस शीट को सेव कर देंगे आप यहाँ फ़िल्टर सेट करके भी ईजिली चेंजेस कर सकते हैं आप अपनी कस्टमर्स की लिस्ट को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें अपने कस्टमर्स के जीएसटी रेट्स और स्टेट कोड को भी डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में ईज ऑफ जीएसटी अडॉप्शन पर देन एंटर करेंगे पार्टी जीएसटी नंबर स्टेट अपडेशन पर देन ये विंडो अपीयर हो जाएगी यहाँ आपके सारे कस्टमर्स की लिस्ट अपीयर हो जाएगी इनको एक्सपोर्ट करने के लिए आप एफ फंक्शन की प्रेस करेंगे देन ए शीट में अपने कस्टमर्स का जीएसटी नंबर और स्टेट कोड डिफाइन करेंगे देन ए शीट को सेव कर देंगे जीएसटी एक्टिवेट होने से पहले आप अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स के लेजर में प्रॉपरली एड्रेस फीड कर लेंगे तो फ्रेंड्स इन स्टेप्स और टिप्स के थ्रू हमने सीखा कि आप मार गी आर प्लस सॉफ्टवेयर में कैसे जी से पहले अपने सॉफ्टवेयर को जी बिलिंग के लिए रेडी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग